अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बज गए हैं। अभी भी हम ट्रेन में ही हैं और हम कुछ 10 बजे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह अजमेर। सो अगर हम टोटल टाइम देखें तो टोटल 17 to 18 आवर्स लगता है अगर हम सुपर फास्ट ट्रेन लेते हैं फ्रॉम बांद्रा टू अजमेर। सो ये सीमेंट की यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ से सीमेंट सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ का मतलब अभी ठंड बहुत स्टार्ट हो गई थी रात में, तो मतलब बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ठंड थी एंड अभी भी उतनी ही है। 10 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंड है राजस्थान में एंड हम कुछ ब्लैंकेट वगैरह कैरी नहीं किए, पूरे फ्रीज हो चुके हैं, इतनी ठंड है। बट बहुत अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे बस जाओ मैं, इतनी अच्छी प्यारी गुलाबी ठंडी है यहाँ पे। एंड ठंड में चाय पीने का मज़ा एंड ट्रैवलिंग के टाइम चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सो ये गर्मा गर्म चाय विद ठंडा ठंडा मौसम, सुपर कॉम्बिनेशन। सो अभी गाड़ी रुकी है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ ये लास्ट स्टॉप नहीं है, सेकेंड लास्ट स्टॉप है। इसके बाद डायरेक्टली 2 आवर्स के बाद गाड़ी रुकेगी टू अजमेर। सो मैंने जो सीट बताई पहले वो मेरी सीट थी ये वाली। उसके बाद जैसे जैसे खाली होते गए हम स्लीपर्स पे गए एंड बहुत अच्छे से ट्रैवल कर लिए थे। सो अभी हम खाखरा और चाय खाने वाले हैं। सीट्स का इतना इशू है, हमें पता ही नहीं था कि बहुत पहले से सीट्स बुकिंग करनी होती है। लोग 6-6 महीने, 5-5, 4-4 महीने पहले से बुकिंग करते हैं। हमने 3 मंथ्स पहले से बुकिंग की थी, उसके बाद भी हमें जाते वक्त तो सीट मिली थी, आते वक्त की हमारी कचौरी है क्या? दाल का आलू का कचौरा। सो ये है कचौरा, मतलब कचौरी जैसा ही। कचौरी के अंदर जो फिलिंग होती है वो अलग है, ये स्टफिंग है मूंग दाल एंड आलू की। बहुत ही बड़ा सा कचौरा था ये, कुछ 100 रुपीज़ का था, बट हम 5-6 लोगों ने आराम से खा लिया था। सो जैसे तैसे तो कैसे तैसे हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर। सो चलो हम बाहर निकलते हैं एंड ठंड बहुत थी सच में, हाथ भी इतने फ्रीज हो गए थे, बट अजमेर आने के बाद एक अलग ही सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब हम निकल रहे हैं बाहर एंड हम पहले जाएंगे हमारी होटल की तरफ। सो यहाँ ये सारी ऑटो चलती है, ऐसी ओपन ऑटो। मुझे इधर की ऑटोज इतनी पसंद आई कि मुझे बस बैठ के ट्रैवल करने का मन कर रहा था, तो हम पीछे बैठे थे। सो पीछे से जब ऑटो चल रही थी तब इसका व्यू कैप्चर करने में बहुत मज़ा आ रहा था। सो यहाँ हम जा रहे हैं हमारे होटल रूम में एंड वहाँ हम जाके फ्रेशन अप होंगे एंड रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। सो ये हमारा होटल था, होटल शिबा, ठीक है। इसके बारे में अगर मुझे कुछ रिव्यू देना है या बताना है कैसी लगी वीडियो कैसे लगा मुझे वहाँ पर रह के, सो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइज इनका रूम वगैरह सब कुछ। बट फिलहाल हम पहुँचने के बाद हमने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो सबसे पहले हमने किया नाश्ता। अब राजस्थान में हैं हम, तो राजस्थानी खाने बहुत डिफरेंट होते हैं कंपेरेटिवली टू आवर मुंबई डिशेस। तो यहाँ के जो समोसे की फीलिंग्स होती है वो भी काफ़ी अलग होती हैं, कचौरी भी काफ़ी अलग होती है। एंड इसमें ये लोग समोसा ऐसे ही नहीं खाते, इस पर है ना एक ग्रेवी सी होती है, पता नहीं दाल वगैरह कुछ तो अलग ही है। ये दाल के खाया जाता है, इसमें दाल, मीठी चटनी, लेमन, ये सारा कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने हमारा लंच भी किया। सो पनीर की सब्जी थी, तंदूरी रोटी, हमारी फ़िश बाकी थी, राइस एंड दाल। सो हमारा लंच भी हो गया था। अब यहाँ का राजस्थानी खाना था, सो इनकी दाल भी काफ़ी अलग होती है, पनीर मसाले भी काफ़ी अलग होते हैं। जो बेसिक टिक्का वगैरह होता है वो तो रेडीमेड जैसा होता है वैसे ही है, बट इनके डिशेस काफ़ी अलग होते। मेरी मम्मी का बर्थडे था तो हमने केक कटिंग भी की, छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। एंड जैसे ही सेलिब्रेशन हुआ हम निकले जाने के लिए हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ बाबा के दरगाह पर। सो जैसे हम जा रहे थे, सो यहाँ का एक कुछ व्यूज़ मैंने कैप्चर किया है। यहाँ काफ़ी अच्छे ड्रेसेस,
काफ़ी अच्छे बैंगल्स, फिर बहुत से बच्चों के बर्तन थे, यूनिक एंटिक चीज़ें, टोपी वगैरह सब कुछ था। खाने खाने की चीज़ें बहुत अच्छी, बट ये कैसा है ना, टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट प्लेस थोड़ा कॉस्टली होता है। सो यहाँ के हर एक रेटिंग्स भी काफ़ी डिफरेंट थे एज़ कंपेरेटिवली टू आवर मुंबई की प्राइसिंग, बट बहुत अच्छा, मतलब मार्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। सो ये कुछ वीडियो वहाँ की मैंने कैप्चर की थी। यहाँ बैंगल्स की शॉप इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा कि आप सारी की सारी बैंगल्स ले लो। सो हमने भी कुछ बैंगल्स खरीदी की है, एंड यस, दिस वाज द मार्केट इन दरगाह शरीफ के पास, ये मार्केट था। और ये हम गेट नंबर 4 के पास से जा रहे हैं तो वहाँ का मार्केट है। मेन गेट का मार्केट बाद में आएगा शायद, तब हम आपको वो भी दिखाएंगे। सो ये गेट नंबर 4 आ रहा है, एंड अब हम हमारे स्लिपर्स निकाल के रख देंगे साइड में, और चलो अब हम चलते हैं दरगाह के अंदर। हम निकल गए हैं अब दरगाह शरीफ से,
और बहुत वीडियो हिल रही थी मुझे पता है, बट वहाँ पे इतनी रश थी एंड हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते थे प्रॉपरली, मतलब रिकॉर्ड करना भी मना है वहाँ पे। सो जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना रिकॉर्डिंग करने की ट्राई की। अब हम जा रहे हैं ढाई दिन की झोपड़ी पे एंड वहाँ का मार्केट कुछ इस तरह का था, बहुत ही कलरफुल एंड बहुत प्यारा। बहुत कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, बहुत एंटिक चीज़ें हैं, दुपट्टे इतने प्यारे हैं, फिर बैंगल्स से लेकर हर एक छोटी चीज़ बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। जस्ट रेट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं टूरिस्ट के हिसाब से, अगर आपको बारगेनिंग वगैरह करनी अच्छी तरीके से आती है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सो ये मार्केट है ढाई दिन की झोपड़ी के यहाँ पे। अभी मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता है ढाई दिन की झोपड़ी की, बट हाँ बहुत ही प्यारी प्लेस है। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सुकून फील होता है, मतलब जब से हम अजमेर में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक सुकून सुकून सा ही फील हो रहा है। ये है ढाई दिन की झोपड़ी, हम आ चुके हैं। वहाँ पे पानी पूरी से पापड़ वाले, चने वाले, बहुत कुछ खाने की चीज़ें भी थी। सो यहाँ पे हमें स्टेयर्स चढ़ के जाने हैं एंड ऊपर हम जब पहुँचेंगे तब आएगी हमारी ढाई दिन की झोपड़ी। सो ये है वो झोपड़ी, बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए तो इतनी लाइन लगी है कि बस पूछो ही मत, मैंने भी बहुत सी क्लिक की हैं। बहुत ही प्यारी प्लेस है ये, थोड़ा हमारे गेटवे ऑफ इंडिया जैसा लग रहा है राइट, बट बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की एंड फिर हम निकल गए थे यहाँ से। बहुत अच्छा लगा, रात भी होने आ गई थी, मगरिब हो चुकी थी यहाँ पे। सो हम निकले हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ सब देख रहे थे कि क्या क्या बर्तन वगैरह हैं बच्चों के। सो अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं ये सारी एंटिक चीज़ें ले जाना। एंड फिर इसके बाद बहुत सी वॉचेस, फिर टोकरियाँ, यूटेंसिल्स, बहुत कुछ था। ये कुछ तो सोडा था, गोटी सोडा, पता नहीं क्या नहीं वो सोडा, बट अंदर है ना ऐसा बर्फ़ का गोला जैसा होता है और बहुत टेस्टी यम्मी है, अच्छा था। अब हम पहुँचे थे मदीना स्वीट शॉप पर। सो ये जो भी कढ़ाई में थी ये दूध था, केसर दूध शायद से। अब यहाँ पे हमें लेना था हलवा, क्योंकि अब हम इतना दूर आए हैं अजमेर, तो हम हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए कुछ स्वीट ले जाना चाहते थे। तो यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली ताकि सबको अजमेर के स्वीट्स का मज़ा लेने मिले, तो थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ से लिया। प्लस ये शॉप भी बहुत अच्छी है, यहाँ अजमेर में गेट नंबर 4 से आगे ही, मतलब जैसे हम ढाई दिन के झोपड़ी से स्ट्रेट स्ट्रेट आते हैं वहाँ पे ही ये शॉप अवेलेबल थी। सो हमने ले ली, आप किधर भी पूछ सकते हैं मदीना स्वीट्स, आपको पता चलेगी कहाँ पे है। सो ये स्वीट उन्होंने टेस्ट करने दिया था, इसको कहते हैं सोन हलवा, काफ़ी 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 डिलीशियस होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। आप लोग ने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो इफ़ अगर आप अजमेर आते हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये हलवा। स्पेशली ये हलवे के लिए अजमेर आना है, अगर हमने ये ना लिया तो अजमेर आना इज़ नॉट वर्थ इट, बिकॉज ये स्वीट बहुत ही अच्छा होता है। फिर हमने थोड़ा बहुत और कुछ शॉपिंग किया। ये है मेन गेट, सबसे बड़ा गेट है दरगाह शरीफ में एंटर करने का। सो यस, हम वापस होटल आ गए थे थोड़ा मार्केट में घूमने के बाद। फिर हम वापस होटल में फ्रेश होके फिर से हम चल पड़े हैं कुछ खाने के लिए। सो हम सर्च कर रहे थे कि कौन सा होटल अच्छा है खाने के लिए, बट यहाँ पे तो कोई भी अच्छा नहीं लगा। सो हम अभी भी ढूंढ ही रहे हैं कि कहाँ हम जाके बैठ के अच्छे से सुकून से खा सकते। तो ये एक रेस्टोरेंट मिला था, हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमने नॉर्मल चाइनीज़ स्टाइल में चिकन मंगाया था, फ्राइड राइस, क्योंकि हमें ऐसा थोड़ा सा बेसिक बेसिक सा ही खाना था, क्योंकि ऑलरेडी मतलब हम ढाई दिन की झोपड़ी में गए थे तब हम वहाँ तो कुछ नहीं खाए थे,
बट यस हमने स्नैक्स में थोड़ा कुछ खाया था, बट मैंने वो वीडियो में नहीं ऐड किया है। बट यस पेट ऑलरेडी फुल था, तो हमने नॉर्मल बेसिक तंदूरी रोटी भाजी मम्मी डैडी ने खाई थी, नानी ने, हमने फ्राइड राइस चिली चिकन चिली खाई, फिर दाल राइस मैंडेटरी स्टफ। सो हमारा खाना हो चुका था, अब हम वॉक करके ही जा रहे थे ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए खाना, और फिर अब हम जाके मस्त सो जाएंगे। और कल की वीडियो के लिए ज़रूर देखना, क्योंकि कल की वीडियो में हम जाने वाले आना सागर, सो वहाँ के बारे में ज़रूर बताऊँगी। अब हमारा होटल आ चुका है, सो चलो गाइस मिलते हैं बाद में, अल्लाह।